तो भाइयों आज हमको बहुत ही बेहतरीन मैच दिखने वाला है, आरसीबी वर्सेस पेशावर जलमी। ये हमारा विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम ही हो गया एक तरीके से। बाकी देखता आज कौन सी टीम का दबदबा रहेगा। भाई पेशावर ने हेड्स चूज कराए और पेशावर टॉस जीत चुकी है, देखते पेशावर क्या चूज करती है। स्किप कर दूंगा मैं, टॉस को देखूंगा नहीं। भाई बैटिंग, चलो हमारा पहला ओवर डालने भाई। हम ला रहे हैं अपने हेजलवुड को भाई, पहली बॉल पे सिंगल मिल जाएगा। और भाई हरीश और बाबर आजम है स्ट्राइक पे, और भाई रन आउट का चांस हो सकता था अगर दूसरी साइड थ्रो करता फील्डर तो। और भाई आप लोग कमेंट में बता देना आपका फेवरेट कौन है, विराट कोहली या बाबर आजम। भाई हमारा तो विराट ही रहेगा हमेशा। बाकी भाई जो जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी भाई ये नो बॉल डाल चुके हम, पांचवी बॉल पे फ्री हिट मिला है और मोहम्मद हरीश है स्ट्राइक पे। फ्री हिट पे तो उठा के ही खेलेगा बंदा। चलो चौका भी आ गया है भाई पेशावर के लिए, पहला चौका। और पहले ओवर से आया भाई नो रन, मोहम्मद सिराज आया भाई सेकंड ओवर डालने हमारा। सिराज भाई आरसीबी के अभी तक सही बॉलर यही है अभी जो टीम में है। बाकी एग्रेशन तो है ही बंदे में, विराट के साथ है तो एग्रेशन तो होएगा ही। तीन बॉलों में अभी तक एक ही रन दिया है भाई सिराज ने। हरीश है भाई स्ट्राइक पे, और एक ये शायद बाउंड्री आ जाएगी, एक और बाउंड्री भाई हरीश के बल्ले से। बढ़िया बैटिंग कर रहा है यार हरीश, सोच के आया आज पूरा भाई बाबर आजम का साथ देना है। और यहाँ पे भी एक और चौका आ जाएगा पांचवी बॉल पे। भाई इस ओवर में भी हमारे नो रन तो आ ही गए, क्या कर रहे हैं भाई ये पेशावर वाले। और भाई क्या आवाज़ आई है बल्ले से, मतलब शॉट एकदम एक नंबर। दो ओवरों में 19 रन बना चुके हैं भाई। तीसरा ओवर की पहली बॉल बहुत बढ़िया थी यार, यहाँ पे विकेट मिल सकता था, थोड़ी और अंदर होती तो एज लग के कैच चला जाता, मगर यहाँ पे एज लगने का मौका ही नहीं दिया, चौका मार दिया भाई। 15 बॉलों में 21 रन है भाई हरीश भाई हमारे। और बाबर आजम भाई 4 बॉलों में 3 रन भाई। पहली बॉल पर चौथे ओवर की बाबर आजम ने बैकफुट पे आके एक बेहतरीन शॉट खेला और 4 रन मिल चुके हैं बाबर आजम को। 7 रन भाई 5 बॉलों में बाबर आजम। और भाई ये बॉल अच्छी थी यार, बहुत अच्छा बीट हुआ यहाँ पे बाबर आजम हमारे। इस ओवर में अभी तक हमारे 6 रन आ चुके हैं सिराज के, और भाई 7 रन आ गए हैं सिराज के सेकंड ओवर से। कोई नहीं, पावर प्ले में तो फ़ायदा उठाएंगे ही। 32 रन बना चुके हैं भाई, पाँचवा ओवर चल रहा है अभी। और भाई इस पर भी शायद चौका आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ भाई चौका आ गया। अभी तक इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं भाई। और भाई एक और लोफ्टेड शॉट मारा है यार भाई, यहाँ पे भी एक और चौका। क्या सोच के आए भाई हरीश भाई, बता दो, हरवाना है तो वैसे ही बता दो यार, इतना बुरा तो मत पेलो यार हमें। बाकी भाई एक और शॉट यार, एक और बेहतरीन शॉट, और ये शायद 6 जाएगा मेरे ख्याल से। बाबर आजम के बल्ले से आया था भाई ये शॉट, स्टार्टिंग ही छक्के के साथ कराई भाई सिराज ने इस ओवर की। और भाई एक और चौका, 10 रन दे दिए 3 बॉलों में भाई। 10 के रन रेट से खेल रहे हैं पेशावर वाले। पांचवी बॉल भाई, और एज लग के यार थोड़ा पीछे टप्पा खाती है, कैच आउट था। लास्ट बॉल भाई, 9.5 का रन रेट चल रहा है लगभग, और यहाँ पे शायद एक और चौका आ जाएगा भाई। कितने बेकार बॉलिंग करी है भाई सिराज, 6 ओवर में 58 रन, मतलब यही मान लो 10 का रन रेट चल रहा है इनका। और भाई ये कैच हो सकता है यार, कैच कर ले भाई। अरे यार बाउंड्री से टच हो गया, छक्का दिलवा दिया कैच की जगह पे यार। नहीं, 4 ही आया, चौका आया, चलो बढ़िया ठीक है फिर, ठीक है। और ये फील्डिंग बढ़िया थी, यही फील्डिंग पिछली बार कर लेता, कैच पकड़ लेता भाई तो सही हो जाता। और भाई पूरा मैच देख के जाना आरसीबी की बैटिंग भी, क्योंकि भाई मैंने और एक और नो बॉल डाल दिया, मैंने नो बॉल भी डाल दिया और इस पर चौका भी चला चुका है। फ्री हिट है भाई ये, 70 रन बन चुके हैं भाई, 7 ओवर चल ही रहा है अभी, और फ्री हिट पे कुछ नहीं आया, ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। मगर यार 10 से ऊपर का रन रेट चल रहा है अभी इन लोगों का। 37 पे खेल रहे हैं भाई हरीश, और भाई हमारे बाबर आजम 29 रन 18 बॉलों में। लास्ट बॉल भाई हेजलवुड के ओवर की, और भाई 42 रन पिटवा चुका है हेजलवुड, और एक भी विकेट नहीं लिया है। अगली बार इसको बॉलिंग नहीं देंगे यार हम लोग, बहुत बेकार बॉलिंग भाई आज हेजलवुड की। बाकी भाई सिराज का भी लास्ट ओवर है, यहाँ पे विकेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओ भाई ये बॉल बढ़िया थी यार। और भाई इस ओवर में अभी तक एक ही रन आया है लास्ट ओवर में, और ये तो LBW है भाई, अपील करी है मैंने, मांगा है, चलो डायरेक्ट आउट दे दिया है, बस ये लोग रिव्यू ना ले लें। और भाई कितने खुश हो रहे हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं हमारे सिराज भाई। और भाई मेरे ख्याल से रिव्यू लेंगे, नहीं लिया रिव्यू,
ये तो साफ LBW था भाई, रिव्यू लेते तो रिव्यू गवाते अपना पेशावर वाले। बाकी बढ़िया बॉलिंग। चलो भाई बैटिंग करना आया सैम अयूब, और भाई हमारे बॉलर चेंज हो गए हैं। हसरंगा आया भाई बॉलिंग के लिए, पहली बॉल भाई हसरंगा के ओवर की, और पहली बॉल पे ही शायद 6 रन नहीं चौका आ जाएगा भाई। आज तो मतलब हरीश भाई सोच के आया कि यहाँ पे सेंचुरी मार के ही जानी है। कितने रन बनाए भाई, 44 रन 31 बॉलों में, और ये एक और चौका चला जाएगा। नहीं गया, फील्डर है शायद, एक बार इसका मैं रिप्ले ज़रूर देखूँगा कि कैसे फील्डिंग करी है बंदा ने भाई। बहुत, अरे 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 भाई कहाँ घुस गया वो, मगर कोई नहीं, फील्डिंग एफर्ट भाई, उसके लिए तालियां एक बार भाई। 47 रन पे खेल रहा है हरीश, मेरे ख्याल से 50 तो बना ही देंगे। अयूब है भाई स्ट्राइक पर, और हर्षर पटेल आया भाई बॉलिंग करने, और भाई ये कैच आउट है भाई। एम्पायर पता नहीं कई बार कैच आउट क्यों नहीं देता, अपील मांगनी पड़ती है। हर्षर पटेल भाई आते ही एक विकेट ले लिया है। ये भाई हर्षर पटेल का विकेट नहीं था, ये दिनेश कार्तिक का विकेट था भाई। फील्डिंग जिनने कीपिंग एफर्ट डाला है भाई, इसके लिए एक लाइक कर देना। कैडमोर आया भाई बैटिंग करने, एक विकेट तो आ ही चुका है भाई इस ओवर में। बढ़िया स्टार्टिंग में ही एक विकेट आ गया, तो और क्या चाहिए। हर्षर पटेल भाई स्टार बॉलर है भाई RCB का, समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए होगे आधे से ज़्यादा लोग। और एक चौका आ जाएगा शायद, नहीं आया। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन 3 रन के लिए भागे भाई। रन आउट हो सकता है, रन आउट का चांस है, और रन आउट हो गया भाई। रन आउट विकेट लिखा आ गया, रिव्यू ये लेंगे नहीं क्योंकि साफ रन आउट है, इसमें बता दिया। बाकी भाई आउट कौन हुआ है, मेरे ख्याल से हरीश आउट हुआ है 47 रन पे। अगर हरीश आउट हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है यार हमारे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा था बंदा अभी तक। और भाई फील्डिंग एफर्ट मान गए भाई, फील्डिंग जिसने भी करी, 47 रन पे आउट भाई बंदा। और रोवमैन पोवल आया भाई बैटिंग करने, 2 विकेट गिर चुके हैं हर्षर पटेल के ओवर में। नाइस बॉलिंग भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग। और भाई 11th ओवर भी हमारा हसरंगा डाल रहे हैं, 2 बॉल अभी तक डॉट निकलवा चुके हैं, 3री बॉल भी डॉट बॉल जाएगी। 4थी बॉल पे 1 रन आया है, बढ़िया। चलो अभी तक ये ओवर तो बहुत बढ़िया गया, 1 ही रन गया अभी तक। ओ यार ये बॉल बहुत बढ़िया थी भाई, लास्ट बॉल भाई हसरंगा के ओवर की। अरे यार शिट भाई, विकेट मिल सकता था वहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा बाउंस नहीं होती पिच पे तो। ये बॉल भी बढ़िया थी यार, हर्षर पटेल के जो स्पेल है वो भी अच्छे जा रहे हैं। और ये कैच हो सकता है, नहीं बच गया यार, अगर फील्डर पीछे होता तो कैच हो सकता था, बट कोई नहीं छोड़ो। अभी तक इस ओवर में भी 6 ही रन आए हैं, और एक और कैच उठा यार, ये तो कैच कर लेना भाई। अरे यार क्या कर रहे हैं फील्डर भाई, भाई हसरंगा के स्पेल से ही गए हैं। दो ओवरों में अभी तक भाई 9 ही रन दिए बंदे ने, तो बढ़िया बॉलिंग है अभी तक, तो बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया बॉलिंग है। और 100 पे 3 विकेट है भाई इनके, पेशावर वालों के। और भाई ये एक और कैच आउट हर्षर पटेल के ओवर में, हर्षर पटेल ने भाई 2 विकेट ले लिए यार, और रन भी ज़्यादा नहीं पिटवाए, तो अंडररेटेड बॉलर छा गए भाई हर्षर पटेल। बाकी रिव्यू लेने का फ़ायदा तो है नहीं, सीधा कैच आउट है। और भाई दिनेश कार्तिक ने दूसरा कैच पकड़ा है आज विकेट कीपिंग करते हुए। जेम्स निशम आया भाई, 140 का स्ट्राइक रेट चल रहा है बंदे का। हर्षर पटेल भाई 16 रन देके 2 विकेट, नाइस भाई। निशम ने आते ही शायद छक्का मार दिया यार, भाई क्या ही खा के आए हैं भाई पेशावर वाले, आते ही बाउंड्रीज। कैडमोर भाई आगे बढ़ के शॉट खेला भाई, और ये भी 6 रन भाई। आज इनने तो बैटिंग में फोड़ दिया भाई हमें, मेरे ख्याल से 170 रन तो बना ही देंगे ये लोग, अभी 6 ओवर बच रहे हैं यार। और एक और चौका भाई, हर्षर पटेल आया भाई लास्ट ओवर डालने अपने स्पेल का, भाई पहली बॉल पे ही चौका खा लिया है, सिर्फ भाई दिशा दिखाई बॉल को और 4 रन मिल चुके हैं यार। दूसरी बॉल भाई हर्षर पटेल के ओवर की, और एक और चौका आ गया भाई, 2 चौके लगातार कौन मारता है यार। निशम भाई थोड़ा आराम से खेल लो। शहबाज अहमद को बुलाया भाई हमने बॉलिंग के लिए, स्पिनर थोड़ा रन रेट कम करवा सकता है अगर करवाएंगे तो। कैडमोर है भाई स्ट्राइक पे, और 1 ही रन आया इस बॉल पे, तो शायद एक ही भागेंगे, 2 भागेंगे तो नहीं, एक ही भागे भाई। 3 बॉलों में 2 रन मिले अभी तक अहमद के ओवर में। और भाई आगे बढ़ के एक शॉट खेलने की कोशिश, मगर एच का भी चौका मिल ही गया, आगे बढ़ के खेलते तब भी चौका या छक्का जाता। ग्लेन मैक्सवेल भाई अगला बॉलर, और पहली बॉल पे 1 ही रन दिया भाई, ये कैच हो सकता है यार। अबे यार मैक्सवेल को भागना चाहिए था, फील्डर इतनी दूर से भाग के आया कीपर। निशम भाई 21 रन ओनली 13 बॉल्स में यार, और यहाँ पे एक और 6 रन शायद।
भाई रन रेट दोबारा बढ़ा लिया इन लोगों ने अपना, 7 रन आ चुके हैं भाई मैक्सवेल के ओवर से। और भाई एक और शॉट खेला उठाकर, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ भाई चौका मिल चुका है भाई, 11 रन आ चुके हैं मैक्सवेल के ओवर में। बहुत बेकार ओवर गया है अभी तक तो। ये कैच हो सकता है भाई, कैच कर ले भाई। 6 रन भाई, मतलब हद ही होगी भाई। 17 बोलों में 38 रन जेम्स निशम, और एक और चौका मार दिया, 42 पहुंच गया भाई बंदा 18 बोलों में। क्या लगता है 50 बना पाएगा? मेरे ख्याल से तो बना लेगा। ओ अरे आउट 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 आउट, थर्ड एम्पायर पे जाएगा। मैं स्किप कर देता हूँ, रिव्यू दिखाता हूँ बस आपको। चलो आउट है, बढ़िया। 42 रन पे आउट भाई जेम्स निशम, 3 छक्के 4 चौके भाई। दशुन सनाका आए हैं भाई बैटिंग करने। तो भाई कैडमोर बचा है अब इनका जो बैट्समैन है मेन, और तो कोई है नहीं इतना खास इसके बाद। ये दोनों टिक गए तो टिक गए, वरना तो भाई आउट होना पक्का है। 170 से ज़्यादा तो भी नहीं जाएंगे यार, 180 तक बना ही देंगे ये लोग। तो भाई ये कैच हो सकता है यार, भाई कैच ही है, बढ़िया। सनाका आउट भाई, और नो का रन रेट चल रहा है अभी इनका, ये सोचो तुम लोग यार, नो का रन रेट भाई हद हो चुकी है। वहाब रियाज आए हैं भाई बैटिंग करने, पहली बॉल भाई कैडमोर है, सॉरी मेरे को लगा वहाब रियाज है भाई। कैडमोर ने भी चौका मार दिया यार, ये भी पहुंच चुका है भाई 43 रन पे। कितने बंदों ने 47 रन बना दिए यार इनकी टीम में। लास्ट बॉल भाई 19th ओवर की, और यहाँ पे भी एक चौका आ जाएगा। 175 तो ऐसे ही बना दिया यार। लास्ट ओवर में 10 रन से ज़्यादा तो नहीं जाने चाहिए। पहली बॉल पे सिंगल आएगा। अरे यार चौका दिलवा दिया यार, सिंगल आना था वहाँ पे। 2 बॉलों में 5 रन आ चुके हैं। कैडमोर स्ट्राइक पे है, 25 बॉलों में 47 रन, और ये भी चौका आ गया यार। मेरे को लगा बच जाएगा, फील्डर उसके पीछे ही था तब भी चौका आ गया। और भाई 51 बना दिया भाई बंदे ने, 196 का स्ट्राइक रेट। बहुत बढ़िया बैटिंग चल रही है यार अभी तक तो उनकी। 184 बन गए यार, और एक और 6 रन। शिट यार, नहीं चौका है, चौका आया तब भी भाई बहुत रन आ गए। 188 भाई, 2 बॉल बची हैं इस इनिंग की, और भाई यहाँ पे भी एक और चौका आ जाएगा भाई। समझ में ही नहीं आ रहा क्या ही बैटिंग कर रही है लोग। 192 तो बना दिया लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, और भाई यहाँ पे चौका आ जाएगा शायद। 6 रन भाई, 199 का टारगेट है हमारे लिए। चलो अब चेस करते हैं। तो भाई अपनी बैटिंग आ चुकी है, और भाई बैटिंग करने आया फैफ डू प्लेसी और पाटीदार। देखते हैं कितने रन बनते हैं हमारे पहले पावर प्ले में। मैं सोच रहा हूँ पावर प्ले में 50-60 रन बन जाए तो बहुत है। अभी तक स्टार्टिंग के 2 बॉल हुई हैं और 2 ही रन आए हमको। और भाई तीसरी बॉल पे हमको शायद पहली बाउंड्री मिल सकती है। मिल जाएगी भाई तीसरी बॉल पे पहली बाउंड्री, बढ़िया। हाय हाय हाय, क्या शॉट मारा था यार वो वाला। 3 बॉलों में 6 रन आ चुके हैं भाई। वहाब रियाज कर रहे हैं बॉलिंग भाई। वहाब रियाज अच्छे बॉलर है, देखते हैं विकेट लेते हैं या नहीं ले पाते। और भाई ये एज लग गया यार, यहाँ पे विकेट का चांस था, मगर चौका मिल जाएगा। नहीं, चौका नहीं है, 2 ही रन मिलेंगे। फील्डिंग भाई, फील्डिंग एफर्ट बढ़िया। सेकंड ओवर डालना है भाई इकबाल भाई। पहली बॉल सेकंड ओवर की, और यहाँ पे हमको 2 रन मिल जाएंगे बहुत आसानी से। चौका मिल जाएगा भाई, क्या फील्डिंग कर रहे हैं ये। कभी अच्छी फील्डिंग करते हैं, बोलते ही भाई फील्डिंग ख़राब। और ये भाई पहला 6 भाई हमारे बैट से भाई, बढ़िया। सब कुछ आइडियल था इसलिए 6 चला गया, वरना नहीं जाता। 21 रन पे 0 विकेट भाई, सेकंड ओवर ही चल रहा है। और भाई फैफ डू प्लेसी पूरी फॉर्म में, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा हमको भाई। ऐसे ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई उनने भी बैटिंग बहुत ताबड़तोड़ करी थी, छक्के चौके। तो हमें भी वही करना पड़ेगा। 199 का टारगेट है, छोटा टारगेट हो तो थोड़ा आराम से भी खेले। मगर भाई तुम लोग बता देना कि तुम्हारा अभी तक का आरसीबी का फेवरेट मैच कौन सा था। मेरा भाई वो था जिसमें गेल ने 175 मारे थे। उस्मान कादिर आया भाई बॉलिंग करने, स्पिनर है भाई ये। और भाई ये स्वीप शॉट बढ़िया था यार, क्या ही झाड़ू मारी है फैफ डू प्लेसी ने। और चौका मिल जाएगा यहाँ पे हमको, पीछे फील्डर है नहीं। 14 बॉलों में 32 रन है भाई फैफ डू प्लेसी। कोशिश करते हैं कि 50 बनवा दें इनकी अगली, मतलब 20 बॉलों के अंदर अंदर 20-25 बॉल्स में बन जाए तो बहुत बढ़िया है। और भाई इस ओवर में भी 7 रन आ चुके हैं अभी तक, और एक ओवर चौका भाई, 11 रन आ गए हमारे इस ओवर से भी। 3 ओवर के बाद भाई हमारे स्कोर है 41 पे 0 विकेट। और भाई यहाँ पे एक और कट मारा है भाई, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा भाई। क्या फील्डिंग, नहीं मिला। मेरे को लगा पहले वाली फील्डिंग होगी, पहले भी तो चौका मिल गया था, बट कोई नहीं, बढ़िया। 44 पे 0 विकेट, विकेट बचा के रखने हैं बस भाई, विकेट गिर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फील्डिंग एफर्ट भाई,
वैसे अगर ये वाला फिल्टर छोड़ता तो पीछे फिल्टर खड़ा था, कोई टेंशन की बात थी नहीं इनके लिए। 4 ओवरों के बाद 46 पे 0 विकेट है। और भाई फैफ डु प्लेसी 40 रन पे खेल रहा है 20 बॉलों में, और एक और झाड़ू शॉट मारा है भाई, और इस झाड़ू शॉट पे एक ही रन मिलेगा। पिछले झाड़ू शॉट पे चौका मिल गया था, यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। पाटीदार भाई 6 बॉलों में 5 रन, और भाई यहाँ पे रन आउट होने का चांस है। बच गए बच गए, चलो बढ़िया। 50 पार्टनरशिप हो चुकी है भाई दोनों की, सिर्फ 5 ओवर के अंदर अंदर। और क्या चाहिए यार, इतने रन बन के बहुत है। लास्ट ओवर है हमारे पावर प्ले का, देखते हैं कितने रन बन पाते हैं पावर प्ले में हमारे। और भाई ये बॉल बहुत अच्छी थी यार, बीट अच्छा करा मेरे को। ये ओवर भी अच्छा गया, अभी तक 5 ही रन आए इस ओवर में। लास्ट बॉल भाई इस ओवर की 45 पे हमारे फैफ डु प्लेसी, और भाई मैं गलत भाग गया यार, राउंड आउट करवा दिया मैंने फैफ को यार, शिट भाई। 45 रन पे आउट फैफ। विराट कोहली आया भाई और बॉलिंग के लिए आया मुकीम। अरे यार फैफ बहुत गलत आउट हो गया, उसकी 50 बनवा देनी चाहिए थी। बाकी कोई नहीं, विराट कोहली बचे हुए हैं, अभी विराट कोहली की बनवा देंगे 50 अगर उनकी नहीं बनी तो। भाई 2 रन मिल गए पहली बॉल पे ही। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि बैट्समैन बहुत धीरे भागता है गेम में, पता नहीं क्यों इतने धीरे भागता है। और भाई एक और झाड़ू शॉट मारा है, यहाँ पे भी हमको एक ही रन मिल पाएगा। 2 ले लेता है यार, फील्डर धीरे है बहुत। 2 रन ले लिए भाई झाड़ू शॉट मार के। पाटीदार भाई 11 बॉलों में 9 रन, विराट कोहली 5 बॉलों में 9 रन। तो देख लो अभी स्ट्राइकर शॉर्ट पिच बॉल डाली है भाई एक, यहाँ पे पुल भी मारा मगर एक ही रन मिल पाएगा। ये लोफ्टेड खेलना था यार, यहाँ पे चौका तो मिल ही जाता, चौका या छक्का। विराट कोहली ऑन स्ट्राइक, एक शॉर्ट पिच बॉल और भाई उठा के खेल दिया, मगर ये कैच हो जाएगा शायद। नहीं यार, विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं भाई, और गलत शॉट खेल दिया यार विराट ने भी। विराट गए भाई 9 रन बना के। अगले बैट्समैन आया भाई हमारे ग्लेन मैक्सवेल। ये बॉलिंग में तो बहुत बुरे पिटे थे यार, इनकी बॉलिंग तुमने देखी थी लास्ट ओवर में कितने रन दिए थे, 2 ओवरों में 35 रन दिए थे शायद, और फ्री के 5 रन मिल जाएंगे हमें ये। और वो नो बॉल भी थी, एक फ्री हिट है भाई, ये वाला फ्री हिट है पाटीदार स्ट्राइक पे। कोशिश करूंगा भाई पुल शॉट मारने, पुल बोल रहा हूँ लोफ्टेड मारने की, और यहाँ पे 6 रन मिल जाएंगे हमको बढ़िया। फ्री हिट पे छक्का ही जाना चाहिए यार, चौका छक्का खाली जाए तो क्या ही मज़ा फ्री हिट का। एक और भाई क्या स्ट्रेट ड्राइव लगाई है बैट से सीधे मिडल ऑफ द बैट, एंड चौका मिल जाएगा यहाँ पे भी। बहुत प्यारी स्ट्रेट ड्राइव थी यार वो, एकदम मिडल ऑफ द बैट थी। लास्ट बॉल भाई एर्थ ओवर की, और 83 पे 2 विकेट गिर चुके हैं। 10 का रन रेट चल रहा है, शॉर्ट पिच बॉल डाली है एक, और यहाँ पे भी हमको 4 रन मिल जाएंगे पुल के। ये पुल शॉट अच्छा था ग्लेन मैक्सवेल भाई, एक बॉल में 4 रन, बढ़िया भाई, बढ़िया शुरुआत करी है ग्लेन मैक्सवेल ने। और भाई ये बॉल बहुत अच्छी थी नीशम की, अच्छी स्विंग होके अंदर आई है। और भाई एक वाइड ओवर का डालने की कोशिश, और यहाँ पे कैच आउट करवा दिया यार। 3 विकेट गिर गए यार हमारे, ये भी गड़बड़ हो चुकी है, विकेट गिर गए हैं और बैट्समैन है नहीं अभी इतने। दिनेश कार्तिक आए भाई, कार्तिक और ये कर सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल। और भाई एक और शॉर्ट पिच बॉल, यहाँ पे एक ही रन मिल पाएगा, अगर इनमें से विकेट जल्दी गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दिनेश कार्तिक एक बॉल पे एक रन, एक और शॉर्ट पिच बॉल भाई, यहाँ पे मैं बीट हो गया यार। ग्लेन मैक्सवेल 5 बॉलों में 6 रन, वो यहाँ पे चौका मिल जाएगा, पीछे कोई फील्डर है नहीं, 2 रन ही मिलेंगे। 3 ले लो भाई 3 ले लेता हूँ, 2 ही ठीक है यार, रन आउट का चांस हो जाता। बाकी भाई फील्डिंग अच्छी थी वो वाली, वहाब रियाज भाई लास्ट बॉल, इनने भी बहुत रन पिटवाए, 41 रन देके 1 विकेट लिया है। और भाई निशम ने भी 4 रन देके 1 विकेट पहले ओवर में ही। सेकेंड ओवर है भाई निशम का, और भाई ये कट शॉट अच्छा था यार, सिंगल ही मिलेगा मगर पीछे फील्डर है क्योंकि। 10 ओवर के बाद भाई 98 पे 3 विकेट है आरसीबी के, और भाई 58 बॉलों में अभी भी हमको 101 रन चाहिए। ये वाला कट शॉट भी बढ़िया था मगर पीछे दोबारा एक और फील्डर है यार, 99 पे 3 विकेट। अब 100 पे 3 विकेट हो चुके हैं, जितनी बॉल है उसके डबल रन चाहिए एक तरीके से। भाई एक ये वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, मतलब यॉर्कर डालने की कोशिश, और 6 रन, बढ़िया। दिनेश कार्तिक 6 बॉलों में 10 रन है भाई, और मैक्सवेल 11 बॉलों में 11 रन, थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। एक और झाड़ू शॉट मारा है भाई, और झाड़ू शॉट कम को मिल गया 4 रन। और भाई ये वाला शॉट भाई गलत खेल दिया, और यहाँ पे एक और विकेट गवा चुके हैं हम, वो भी दिनेश कार्तिक का। भाई ये फील्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, बहुत इजी कैच था यार, कैच छूट ही नहीं सकता था ये वाला। तो दिनेश कार्तिक भाई 14 रन बना के आउट हो चुके हैं। अहमद आए भाई हमारे बैटिंग करने, अहमद और मैक्सवेल यही दोनों हैं यार जो कुछ कर सकते हैं। मेन तो मैक्सवेल है अब, बिग हिटर। मेरे को मैक्सवेल और वो ए बी डिविलियर्स की बैटिंग बहुत पसंद है भाई, जो दोनों खेलते हैं ना जमने के बाद,
बहुत ही खतरनाक खेलते हैं दोनों, अगर एक बार टिक जाए तो आउट करना मुश्किल हो जाता है। और भाई एक और रिवर्स झाड़ू शॉट, और यहाँ पे फील्डर क्या कर रहा था भाई, ये कहाँ कैच पकड़ रहा था, रिवर्स झाड़ू, एक झाड़ू एक रिवर्स झाड़ू। और भाई ये शॉट बढ़िया था, पुल शॉट गुड टाइमिंग के साथ 6 रन मिल चुके हैं। 47 बोलों में 77 रन। एक और शॉट मारा है भाई बैक में, और ये कैच नहीं 6 गया है ना, कैच छूट गया ना, हाँ कैच छूट गया। इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं 3 बोलों में। ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पे, और यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा शायद हमको। बढ़िया भाई इकबाल का ओवर, तो ये ओवर तो पिट गया भाई इनका। 15 रन आ चुके हैं सीधे। एक और शॉट मारा है भाई, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा। 19 रन आ गया भाई 5 बोलों में। हमारा भी एक ओवर पिटा था जो ग्लेन मैक्सवेल का पिटा था, याद करो। अहमद भाई दोबारा एक और झाड़ू शॉट है, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा भाई। कितने झाड़ू शॉट लगे इस मैच में यार। ग्लेन मैक्सवेल, अरे भाई ये अच्छा बीट करा बॉलर ने। अहमद 4 बोलों में 14 रन है भाई, और यहाँ पे एक उठा के तो खेला, मगर टाइमिंग हमारी पूरी बैठी नहीं ढंग से, सिंगल ही मिल पाएगा। रिस्क लेंगे नहीं क्योंकि रन आउट बहुत जल्दी हो जाता है यार, पता ही नहीं चलता। 22 बोलों में 36 रन मैक्सवेल, और एक और चौका। नाइस भाई, बहुत अच्छी पारी खेली है मैक्सवेल ने भाई। जितने रन बॉलिंग में पिटवाए थे उतने ही रन मार दिए भाई इनने बैटिंग में। और भाई एक और शॉट भाई, ये शॉट क्या मार दिया रे, काफ़ी दूर का शॉट था भाई ये, 6 रन। और दशुन सनाका आया भाई बॉलिंग करने। अहमद स्ट्राइक पे 7 बोलों में 18 रन, और भाई मैक्सवेल तो भाई 47 रन 25 बोलों में। 28 बोलों में 33 रन चाहिए, और भाई एक यॉर्कर डाली है, यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा, डबल मिल गया, ट्रिपल भी ले सकता हूँ मैं, 3 रन ले लेते हैं यार। चलो यहाँ पे शायद मैक्सवेल की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है यार। भाई मैक्सवेल ने सच में बहुत अच्छी पारी खेली है, 6 चौके और 2 छक्के। भाई इनके लिए एक लाइक कर देना मैक्सवेल की बैटिंग के लिए। आरसीबी का मैच इन्हीं ने बचाया अगर मैच जीते तो। और भाई एक स्ट्रेट ड्राइव, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा हमको। बढ़िया मैक्सवेल भाई, 22 बोलों में 22 रन चाहिए मैक्सवेल भाई। एक और चौका, ये होती है भाई बैटिंग। मैक्सवेल ने सच में बहुत अच्छी बैटिंग करी है, मेरे को लग नहीं रहा था कि जब विकेट गिरे थे इतनी जल्दी रन बन जाएंगे हमारे, मगर भाई मैक्सवेल के आने के बाद खेलना बहुत आसान लग रहा है अब। एक और चौका मिल गया यार, कितनी बुरी फील्डिंग थी ये तो। 12 बोलों में 11 रन चाहिए भाई हमें, और भाई यहाँ पे शायद अहमद आउट हो जाएंगे, कैच आउट हो गया यार। चलो कोई नहीं, 11 बोलों में 11 रन है। हसरंगा और मैक्सवेल तो बचे हुए हैं, हसरंगा ने शायद उठा के खेला है, और 6 रन। हसरंगा ने खेला है, मैक्सवेल ने खेला है। हसरंगा नाइस, पहली बॉल पे छक्का मार दिया भाई। 9 बोलों में 4 रन चाहिए भाई हमको। हसरंगा ऑन स्ट्राइक, और भाई एक और शॉट, और भाई हम मैच जीत चुके हैं। और जिस जिसको ये मैच अच्छा लगा हो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, भाई भाई प्यारा सा कमेंट छोड़ देना यार, मैं सबके कमेंट लाइक कर दूंगा। 5 विकेट से जीत चुके हैं भाई ये मैच, और अभी स्कोर कार्ड दिखा जाएगा। मेरे ख्याल से भाई मेरी तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच जाएगा भाई अपने मैक्सवेल को, इनने दिया है सहबाज अहमद को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।